रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, सीताराम धाम की जय, हर हर महादेव। भाग का मतलब होता है भक्ति, और रथ का मतलब हो लगा हुआ। जो लोग भक्ति में लगे हैं वही भारत है, ठीक है, ते भारत है। बोलिए भारत माता की जय। रामचरितमानस दुनिया का सबसे महान श्री राधे गोविंद धारण कर पाएगा।
पहले दिन बालकांड की जो 7 श्लोक हैं, श्लोक उसे कहते हैं जिससे शोक दूर होता है, चिंता दुख दूर हो, 7 हैं क्योंकि 7 कांड है रामायण में, इसकी चर्चा हुई। फिर रामायण, रामायण का अर्थ क्या है और रामचरित मानस क्यों नाम पड़ा, इसकी आपको आधार बताया। तीसरे दिन आपके सामने मैंने इस राम कथा और राम नाम की महिमा थोड़े में आपके सामने रखी और चौथे दिन भगवान शंकर ने यह रामायण जो दिया है और उससे हमारे गोस्वामी तुलसीदास को यह कथा मिली, कार्तिकेय को शंकर से मिली या केवल को मिला, 4 इसकी कथा कहने वाले हैं राम को, राम की कथा को, वह सब चर्चा करते हुए भगवान का अवतार, भगवान इस धरती पर क्यों आए, तो रामायण क्या लिखता है, लिखा है कि 5 कारण हैं भगवान के आने के। तो कब 2 कारण आपके सामने रखा, भगवान राम धरती पर आए, पहला कारण है जय और विजय। जय विजय भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं, वाक्तमैन हैं बैकुंठ में, 4 भाई हैं वो 9 वर्ष के हैं, सनक सनंदन सनातन और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई 9 ही वर्ष के रहते हैं क्योंकि प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु 9 वर्ष से ऊपर होगा तो माया पकड़ लेगी, मैं माया से दूर रहना चाहता हूं, भगवान ने प्रायः उनको 3 लोक में घूमने की गति थी, घूमते थे, सब दरवाजा खुला रहता था। आए वैकुंठ लोक में, कहा कि मैं विष्णु के का दर्शन करना चाहता हूं, इसी समय का भगवान आराम कर रहे हैं, कहा तुम कौन होते लोग, कहा मैं तो वक्त में हूं, इनको अहंकार आ गया था जय और विजय को कि मैं इतने बड़े भगवान का मैं रक्षक हूं, मैं भी कुछ हूं, और उन संतों को क्रोध आ गया, अहंकार आए और क्रोध दोनों का मेल जब होगा तो वहां आग लग जाती है, लग गया क्रोध में, उन्होंने श्राप दे दिया कि या तो राक्षस होगा, 3 जन्म दौड़ के भगवान के पास गए, ये आकर के मुनि ऋषि ने श्राप दे दिया, भगवान कहे तू मेरी बहुत दिन सेवा किया है, संत गुरु और गार्ड की कोई सेवा करे उसका अंत बहुत भला होता है, कहा कोई बात नहीं, 3 जन्म तुम राक्षस रहोगे, मैं 4 जन्म लेके तुमको बचा दूंगा, लेकिन संहार करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा और तुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति क्या होगी, तेरी जो आत्मा है मेरे परमात्मा में मिल जाएगी, बहुत खुश है, इनकी कथा जय जय माने विजय, एक ही अर्थ है लेकिन थोड़ा अंतर, कल हमने विस्तार किया था, जय माने जीतना, विजय माने भी जीतना, संसार को जीतने को जय कहते हैं, अपने को जीतने को, हम सबको जीत ले लेकिन अपने मन को न जीत पाए, अपने दिल को, अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने घृणा को, अपने जलन को, अपनी गाली को, अपने जबान को नहीं शुद्ध कर पाए, अपनी आंख को, इतनी गंदगी आंखों में भरी, इनोसेंट आए, एक निर्दोष शुद्ध आंखें होनी चाहिए, हम रुपए को देखते हैं तो गंदगी आ जाती है, लूट लो, किसी स्त्री और पुरुष को देखते हैं कि पर मुझे मिल जाए, कितनी गंदगी आंखों में लगी, और हार्ट में इतना काम डस्टबिन हो गया, सब गंदगी से फेंक दे रहा है, अरे सरकार ने तो नियम भी बना दिया, शीशे का बोतल यहाँ फेंको, कागज यहाँ फेंको, प्लास्टिक यहाँ फेंको, देखिए अपने दिल में कोई जगह न हुआ, सब चीज एक ही जगह फेंक रहे हैं, वह दिल, यह दिल की सफाई, इधर आ जाए लोग,
ये गद्दी है लेके बैठ जाए, लोग नहीं बैठ पाते नीचे। आप सब लोग जो थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ते हैं, डच पढ़ते हैं, रामायण डच में पढ़ने के लिए लिखी हुई है, उसका डच में फरताल किया हुआ आप खरीद लें, यहाँ शंकर के पास है, आप लेके नीचे बैठे पढ़े, बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको बीच बीच में बताते जाएंगे मैं कहाँ की कथा कह रहा हूँ, कहाँ कथा। तो भगवान यह जो विजय है, भीतर की गंदगी को सफाई करने को विजय कहते हैं और बाहर के दोषों को दूर करने को जय कहते हैं। अगर किसी अस्त्र से, शस्त्र से, बम से, छुरी से, चाकू से, बंदूक से, गन से किसी को मारे और जीत जाए उसे जय कहते हैं। ज्ञान से, तपस्या से, प्रेम से किसी को जीत ले उसे विजय कहते हैं। विजय कर किसी के सहारे किसी को जीते, दो आदमी लेके किसी को आप मारे, यह जय है। लेकिन गुरु की कृपा लेकर के अपने भीतर के दुश्मन को मारे, यह विजय है। यह ऐसी बड़ी व्याख्या की, कल इसकी चर्चा किया। दूसरी कथा थी भगवान क्यों अवतार लिए। एक है भक्त, उसका नाम भक्त क्या है, जालंधर, जल अंधर, समुद्र का बेटा है, समुद्र का बेटा, वरुण का बेटा, बारुणी का बेटा, और पिता से वरदान मांगा कि मैं समुद्र में घूमूं तो पानी मेरे छाती तक रहे, उसके ऊपर न जाए, वचन दे दिया। जब कोई दुश्मन दौड़ाता था मारने के लिए तो पानी में घुस जाता था, समुद्र के नीचे जाके बैठ जाता। वह जालंधर, उसने शादी किया वृंदा से, वृंदा लक्ष्मी स्वरूपा थी, एक राक्षस के साथ शादी हो गई। होता है कभी कभी अच्छी मां बहन की शादी हो जाती है, कभी रावण ऐसे व्यक्ति के साथ, कभी जालंधर ऐसे के साथ, और कभी कभी अच्छे आदमी की शादी एकदम भयंकर काली से हो जाती है, काली कलकत्ते वाले से, ये दोनों तरफ हो जाए सर। तो वह किसी को मारता था पानी घुस जाता था, और वरदान मांग लिया था, मैं किसी से न मरूं, ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, देखो ये माला देता हूं, ये रोज अपने हाथ, तुम्हारी बीवी अपने हाथ से पहनाएगी, जब तक माला सूखेगा नहीं तब तक कोई नहीं मार पाएगा, जिस दिन माला सूख जाएगा उसी दिन मार दिए जाओगे। एक दिन विष्णु की कृपा से माला सूख गया, शंकर भगवान ने उसकी उसको मार दिया, लेकिन उसकी बीवी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हारे नाते मेरा पति मारा गया और मैं दुखी हूं, तुम्हें भी कष्ट होगा, तुम और जन्म लोगे धरती पर, और तुम और तुम्हारी धर्मपत्नी सीता ये दोनों अलग हो जाओगे, तुम भी रोगे और वो भी रोगे। वास्तव में हुआ ऐसा, 14 वर्ष तो साथ में रहे, 1 वर्ष सीता लंका में रही, राम भी रोते रहे और उधर सीता भी रोती रहे। इतना ही नहीं, जब रावण का को संहार करके आए, राजा रानी बने, राजा राम बने, जब सीता गर्भवती हुई, राम ने फिर सीता को निकाल दिया और वृंदा का श्राप था, पेट में बच्चा निकाल दिया। पहले दिन कथा कहे थे, सीता बहुत दुखी हुई, लक्ष्मण जो है छोड़ करके चले आए, और जाने लगे तो कहा मैं जा रहा हूं, राम को प्रणाम करूंगा, कहा राम से कहना कि जंगल की रहने वाली एक स्त्री नहीं जानती कि एक राजा को कैसे प्रणाम करना चाहिए, जब उनकी धर्म पत्नी थी तो जानती थी, आंचल उठाकर उनके पैरों पर ऐसे प्रणाम करती थी, अब तो जंगल वासिनी हो गई, मैं नहीं जानती, बहुत अच्छा मार्मिक है। फिर राम रोते रहे, जमीन पर सोते थे, खाना भी नहीं खाते, सीता के प्यार में, क्योंकि वृंदा ने दिया था श्राप कि तुम दुखी रहोगे, जैसे मैं दुखी हो रही हूं मेरे पति मर गया आपके नाते। यह दो अवतार के कारण, तीसरा है नारद जी का कारण, तो 5 कारण है। एक नारद जी की कथा आज मैं लूंगा, दूसरा मनुष्यत्व रूपा है, उन्होंने वरदान मांगा मुझे एक बेटा चाहिए, वो कल मैं लूंगा, हो सकता आज ही समय मिला तो कह दूंगा। तो आप, राम ने कहा मेरे समान कोई बेटा, विष्णु ने कहा मेरे समान कोई बेटा आएंगे,
मैं ही आ जाऊंगा आपकी गोद में, कब आऊंगा, जब आप दशरथ और कौशल्या होके पैदा हो, वो भी कथा आपको सुनाऊंगा। तीसरा कारण है, पांचवा कारण है, प्रताप भानु नाम का बहुत अच्छा लगा था, उसी गलती हो गई, क्या गलती हो गई उसको बताऊंगा, और उसको भी श्राप मिला जा राक्षस हो गया, वह प्रताप भानु रावण हुआ, उसका भाई वो कुंभकर्ण हुआ, और तीसरा भाई विभीषण हुआ, वो लंका गया। ये पांच कारण है, कहानी बहुत सुंदर है, कथा बहुत सुंदर है। आइए हम पहले नारद जी को लेते हैं। नारद माने क्या, नार माने ज्ञान, द माने देने वाला, जो ज्ञान को दे उसका नाम नारद है। जैसे नारायण, नार माने ज्ञान, अयन माने हाउस होम घर, जो ज्ञान का उसका ही है, कृपा का जो घर है उसके उसको नारायण कहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नारद माने ज्ञान देने वाला, तीनों लोग पे ज्ञान देते हैं। नारद ब्रह्मा के पुत्र हैं, भागवत में भी इनकी कथा है और रामायण में। एक दिन उनको एक श्राप था, किसका, सती के पिता का। सती की कथा मैं कह चुका आपके सामने, उनके पिता का नाम था चक्रजापति, और क्या था, वह दक्ष प्रजापति के घर आते थे, एक दो दिन रहते थे, वो एक दो दिन में ही उनके जो बच्चे थे, सात बच्चे थे, सातों को उन्होंने ज्ञान दे दिया और सातों सन्यासी हो गए। उनको बड़ा बुरा लगा कि मेरे सारे बेटे सन्यासी होते जा रहे हैं, आप सब सन्यासी का पैर छूते हैं ना, लेकिन ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा सन्यासी हो, दूसरे का बेटा सन्यासी हो उसका पैर छुएंगे, लेकिन हमारा बेटा सन्यासी हो जाए पसंद नहीं है, भले बेटा आपसे बात करना छोड़ जाए, छोड़ दे वह सहन हो जाता है, लेकिन बेटे का सन्यासी होना नहीं सहन होता, पता नहीं ऐसा क्यों है ना। अरे सर, वैसे आप लोग चाहते हैं कि आपका बेटा सन्यासी हो, इसलिए चुप होके बैठे हैं ना नहीं चल तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुम 5 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रह सकते, 5 मिनट ज्यादा नहीं रहोगे तो सन्यासी किसी को बनाओगे नहीं, तो कहीं बेचारे नहीं रह पाते। एक दिन क्या हुआ, अब आप आइए दोहा नंबर 124 124 1 2 3 एंड 24 या वन, अब बहुत अच्छे आप रामायण खोल के देखना जान गए कुछ लोग, आप लोग भी रामायण खरीदिए आपको आ जाएगा। अरे गाड़ी पहले चलाने लगिए तो स्टीयरिंग पकड़िए तो ब्रेक खत्म हो जाता, पैर रखिए तो पैर भूल जाते, करते करते सर गाना बजाते हुए कार चलाते हैं, और वैसे ही रामायण को पहले कठिनाई होगी बाद में सब कठिनाई होगी। लोग बताते हैं बाबा पहली बार जब पिए थे तो खांसी आ गई थी, आंसू गिरा था, देखिए पीते पीते अब तो इसके बिना अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे ही खूब पीते, खूब बढ़िया से लोग पीते पीते। कहा उस दिन बता रहे पहले दिन दूसरे दिन गयाना पहुंचे, और आदमी गयाना से बाहर आए, मेरा आदमी नहीं आया, भ्रम हो गया, आया तो कहा कि कहा मेरी टैक्सी है, कितने का कितना लगेगा, का मीटर चलेगा उसके अनुसार पैसा मांगूंगा, बैठ गए टैक्सी में चला रहा, तब से जैसे टैक्सी एक आदमी आया दौड़ते हुए, बाबा यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर साधु, हाँ हाँ साधु, टैक्सी मैन कहा ने कहा कि बाबा शराब पिए है वो आपके पास, बैठिए अब कार हम लोग चले, उनका नहीं आ रहा है जल्दी से आ रहा है, मैं मिलकर तब चलूंगा, अगर मैं भाग जाऊंगा
कि पापियों को कौन सहारा देगा, साधु का काम है पापी भी हो गाली भी देता हो तभी मिलना। तो आया मेरे पास, कंधे पर हाथ मैंने रख दिया, क्या बात है, मुंह बंद कर, उनका क्या हुआ, बाबा मेरा मुंह गंदा है, मैं आपको साधु को, यू आर द होली मैन, हाउ विल डू प्रणाम टू यू, मेरा मुंह गंदा है आपको कैसे प्रणाम करूं। उनका धन्य हो गयाना के लोग कि शराब में भी तुझे होश है कि साधु सच्चा है, यहाँ तो होश में ही बेहोश हो गए, तुम बेहोश हो तब भी तुझे ज्ञान है कि साधु को प्रणाम नहीं करना, मुंह गंदा है। हमने कंधे पर हाथ रखा, क्यों पीते हो, बड़े जोर सा जैसे हंसते हैं शराबी, हमने कहा हंसते क्यों बाबा, क्या बोल रहे हैं, मैं शराब पीता हूं, मैं शराब नहीं पीता, शराब मुझे पीती है, वाह शराब मुझे पीती है। जो लोग पीते हैं उनके घर कैसा नरक हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं, बाप निकेरी में कथा हो रही है 11 बजे तक हुई, 11 बजे बंद कर दिया, आरती होते 11:30 बज गया, एक बहन आई, कहा बाबा 12 बजे तक कथा क्यों नहीं करते, हम कहा क्यों, 12 बजे मेरा पति 10 बजे शराब पी के 12 बजे सो जाता है, झगड़ा नहीं होगा, 12 बजे तक यही बैठी रहो, कहा क्या नहीं है, कहा बच्चे डर डर के जीते हैं बाबा, मैं क्या करूँ, जिस चीज से अच्छा नहीं, घर स्वर्ग है, स्वर्ग बनाओ, हेवन पैराडाइज, और हमने क्या दशा बना के रखी है। या देखिए आप लोग ने, आप लोग बहुत अच्छे, तभी तो कथा में तो कहे दोहा नंबर 124 हूं, उसके नीचे किमी की गुहा कयती पानी बसमीप सुर सरी सुहावनी हिमगिरि गोहा कयति पानी शब्द पर ध्यान दें, हिमगिरी हिमगिरी हिमालय, गुहा माने केव्स, क्या कहेंगे डच में, हाँ क्रॉस केव गुहा कैसी है, अति पावन, अति माने बहुत ज्यादा, पावन माने पवित्र, सेक्रेड होली, वह गुहा एक घर की तरह पहाड़ों के भीतर बना है, बहुत पवित्र है, उसके समीप सुरसर, सुरसर माने गंगा, अच्छी गंगा, सुंदर गंगा बह रही है, क्या सुंदर दृश्य है, कि मेरे गुहा एक अति पावन बहुसमीप सुरसर सुहावना पावनी है,
देखिए दो शब्द हैं, एक पवित्र है एक पावन है। पावन पवित्र, पंडित जब पूजा करने जाएंगे तो एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रो, दोहरा आता है किसी, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो वा। अगर हमारे अंदर अपवित्रता कोई गंदगी हो तो वह दूर होके स्वच्छ हो जाए। पहले पंडित जी लोग यही पढ़ते हैं अपवित्र। और दूसरा शब्द है क्या, पावन। डच और इंग्लिश एक ही है, एक ही सेक्रेड इंग्लिश में कहते हैं होली, प्योर, क्लीन, नीट एंड क्लीन, पवित्र। और पावन किसको कहते हैं, पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम रघुपति राघव पवित्र। पवित्र माने जो पवित्र आज होगा कल अपवित्र भी हो सकता है, आज जो शुद्ध है कल अशुद्ध भी हो सकता है, आज जो साफ है कल गंदा हो सकता है, लेकिन पावन वो गंदा होता ही नहीं। ऐसी कौन वस्तु जो गंदा नहीं होती, सूरज गंदा होगा नहीं, मंत्र गंदा होगा नहीं, नहीं। अग्नि गंदा होगी नहीं, ये गंदा नहीं होता, गुरु गंदा नहीं होता, परमात्मा गंदा नहीं होता, आत्मा गंदा नहीं होती, शरीर गंदी होती। यह पावन चीजें हैं। यहां लिखते हैं वह पहाड़ हिमालय भी पवित्र है, देवतात्मा हिमालय वह भी पवित्र है, गुफा भी पवित्र है, नदी गंगा नदी भी पवित्र है, और जो साधु वहां नारद जी गए हैं बैठे हैं वो भी पावन है सब। और पावन अति पावन है, का अति पावन है या परम पुनीत है, दो शब्द, परम बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पुनीत है। और आश्रम परम, नारद जी का आश्रम भी पावन है, आश्रम परम पुनीत एक देव ऋषि मन अति मावा। आश्रम परम पुनीत है, देव ऋषि माने नारद जी, ऋषि जो वेद ध्यान करते थे उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि कई प्रकार के होते हैं, जो देवता वेद को जान गया परमात्मा को जान गया उसे देव ऋषि कहते हैं, इसलिए यहां देव ऋषि है। जो ब्राह्मण परमात्मा को पा गया वो ब्रह्म ऋषि हो गया। यहां तो बिना परमात्मा को जाने, संस्कृत को जाने, वेद को जाने लोग ब्रह्म ऋषि लिखने लगते हैं, ब्रह्म ऋषि हो गया। क्षत्रिय और वैश्य परमात्मा को वेद को जान जाता है उसको राजर्षि कहते हैं, और जो शुद्ध परमात्मा को जान गया उसको श्रम ऋषि कहते हैं। यह महाभारत का शब्द है, श्रम ऋषि कहते हैं। ये इतने प्रकार है ऋषि के, यह देव ऋषि है क्योंकि देव कोटि के हैं। तदेव ऋषि मनयति भावा आश्रम, वहां आश्रम है। आश्रम किसे कहते हैं, दो शब्द हैं, आश्रम और कुटिया। घास फूस की बना लिया उसे कुटिया कहते, साधु उसमें रहता है। और आश्रम थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा साहसम हो गया। आश्रम किसे कहते हैं, तब जब आएगा आपके अयोध्या कांड वहां आश्रम बहुत हैं। भरद्वाज का आश्रम है, अगस्त मुनि का आश्रम तो अरण्य कांड में है, वाल्मीकि का आश्रम है। आश्रम में क्या चीज होती है, आश्रम, आश्रम उसे कहते हैं जहां आराम मिले, आराम, आश्रम आराम। दूसरा आहार मिले, भोजन भी मिले, यहां पर भोजन मिलता है ना, ये भी आश्रम ही है, इसको कहते हैं। दूसरा शब्द है अन्नदान,
जो यजमान है रोज खिला रहे हैं, एक यजमान एक दिन खिला रहा है, ये अन्नदान कर रहा है, ये ज्ञान दान से भी महान माना गया है, अन्नदान कर रहा है। तो जितने यजमान 30 दिन बैठे हैं उनको मेरा आशीर्वाद है, वह कितने लोगों को महाभोजन दे रहे हैं, महाभोजन। और जब यज्ञ हो, अगर आपको समय है तो बैठ करके बैठ जाए यजमान की तरह, यजमान बने या मेहमान बने, मेहमान बने आए कथा सुने बस चले गए, न फूल भी चढ़ाया न प्रसाद भी चढ़ाया, और जब वो 5 पैसे डाल दिया आरती में, और जब ज्यादा एक सेंट डाले तो जोर से पटक के डालते हैं, सुन देखो मैं एक डाल रहा हूं, और सिख लोग 100, 50, 25 देते हैं, और इस्लाम के लोग 100, 200 देते हैं, सब जगह घुमा हूं ना इसका अनुभव है। क्रिश्चियन लोग अपने तनख्वाह से कटा देते हैं, बैंक बैलेंस में चला जाता है मंदिर के, और हिंदू लोग कहा ले करके पैसा दे रहा था, दू कि नहीं, आरती में डालू कि नहीं, आरती में डालू कि नहीं, गर्मी का महीना पसीना हो गया और पैसा जो है वो भीग गया, जब आरती आई तो कहता है कि ये पैसा तुम्हें दे रहा हूं तो तुम मुझसे अलग होके रोना चाहते हो, तब नहीं देता हूं। देखिए आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग तो अच्छा पैसा डालते हैं, आरती के पैसे बताओ पंडित जी, सुबह से दो दो पंडित कहां गए, कृष्णा पंडित सीधे, वाह पंडित जी को ताली हो गया, रात दिन आई मेरे सामने बैठे, अच्छा अंदर देख रहे हैं खाना बन रहा है, मसाला घट गया कि क्या घट गया, देखते रहते हैं और वहां से संकेत करते हैं, हम सोचते हैं कैसको बुला रहे, पंडित जी बुला, पंडित जी उठ के फिर जाते हैं तो नमक ज्यादा पड़ गया, फिर गड़बड़ हो गया, मैं यहाँ से सभी को देखता हूँ, भजन भी हो रहा वहाँ भोजन भी हो रहा, देखते रहिए खुद, देखते रहे, देखते रहे कौन आ रहा कौन जा रहा, जूते की चोरी ना होने पाए, लेकिन ऐसा कोई आता ही नहीं है। प्रेम कहाँ गए, अरे यार सामने बैठे यार, बड़े अच्छे भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, अच्छे गुरु हैं इनके, ऐसे अच्छा आराम से बैठिए कोई। तो कहा कि आश्रम किसे कहते हैं, जहां आराम मिले, जहां पर आहार मिले, भोजन मिले, तीसरा जहां आरोग्य मिले, आरोग्य माने मन दुखी है आके बैठ गए शांति मिल गई, आरोग्य माने शांति मिल गई, आरोग्य मिले। चौथा अनुष्ठान होता हो, अनुष्ठान माने कभी यज्ञ हो रहा है, कभी पूजा हो रहा है, कभी हवन हो रहा है, कभी भगवान के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, कभी कथा हो रही है, इसको अनुष्ठान कहते हैं, अनुष्ठान हो रहा हो तो आहार मिलता हो, आराम मिलता हो, आरोग्य मिलता हो, अनुष्ठान होता हो। और अगला आचार्य हो, एक पंडित हो, एक आचार्य हो, एक संत हो, एक साधु हो, उसको आश्रम कहते हैं। कि जब आएगा अयोध्या कांड और भरद्वाज अगस्त मुनि और इनका आश्रम जब आएगा और उसमें देखेंगे वहां सब मिलता है, आश्रम नहीं कहते जहां कहीं लड़ाइयां हो, उस आश्रम को जानता हूं जब लड़ाई होती है, आश्रम कैसे जानता हूं, दो दो तीन तीन टुकड़े हो जाते हैं, एक ही गुरु के चेले हैं, अरे यार तू चुप हो जाओ, अंतर पड़ गया हट जाओ, चुप हो जाओ, लड़ाई करने की जगह नहीं है आश्रम नहीं है। तो कहते हैं एक शब्द और कहा दुरारी बाबू ने, आश्रम वो है जहाँ अखाड़े बाट लोग हों, मैं लड़ाई करने वाले लोग हों, ऐसे नहीं है मेरा है, कहीं तो गुरु चेले में झगड़े हो जाते, अरे चेले गुरु से नहीं पड़ा बाहर चले जाओ, लड़ने को करने को साधना करो, चुप होके भाग जाओ, क्या लेना, और कहीं चेले चेले आपस में लड़ते हैं, अखाड़े बाज हो जाते हैं, चेले चेले लाज लगनी चाहिए ऐसे लोगों, गुरु भाई है गुरु बहन है आपस में, आश्रम तो आश्रम आश्रम परम पुनीत सुहावन, आश्रम बहुत पवित्र है, बहुत सुंदर है, मन को लग गया देवर्षि नारद को, वहीं तपस्या करने बैठ गए, तो दो बात हुई, ध्यान से लाइन को देखिए,
सुमीरत भरही श्राप गति बाधी। अब इसकी मैं व्याख्या करूं इस लाई चौपाई की तो मुझे कर 7 दिन लगेगा। वाकी सहज विमल मन लागी समाधि, लागी समाधि। 30 दिन मुझे कथा कहनी है, अब दौड़ना है मुझे तब पूरा कर पाऊंगा। भारत में मास प्राण होता है तो रोज 4 घंटे होते हैं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। पहले सुरिनाम में 3 बार भागवत होती थी, अब तो किसी के पास समय ही नहीं है, जिंदगी व्यस्त हो गई, बहुत व्यस्त हो गई। जब धन बढ़ता है तो आदमी व्यस्त ज्यादा हो जाता है, जब गरीबी रहती है तो समय ज्यादा रहता है, इसलिए कभी 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 गरीबी अच्छी लगती है। तो बहुत एक ने इसलिए मैं कुछ को कहते हुए सब पूरी कथा को पूरा करूंगा, कहीं नाम नहीं लूंगा, कभी छू लूंगा, कभी गहराई में चला जाऊंगा। अब जरा इसका आनंद लीजिए। सुमीरत हरी श्राप गति सहज विमल मन लागे समाधि, प्रभु सुदशरथ क्या है मंगल, क्या है मंगल भवन मंगल हारी, ये चौपाई गाते जाए उसको दोहराते जाए, ये मंगल भवन क्या है? मंगल मने कल्याण हो, भलाई हो। देखिए रामायण के अनुसार मंगल क्या है, एक मंगल मूर्ति है। कौन है मंगल मूर्ति? मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल नंदन। हनुमान जी मंगल मूर्ति है, हनुमान की मंगल मूर्ति है। और हनुमान जी क्या है? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति है। और रामचंद्र जी क्या है? मंगल भवन अमंगल हाय, मंगल भवन है। हाउस जैसे क्या कहेंगे, हाउस फान मंगल, या मंगल के घर हैं वो, और हनुमान जी मंगल की मूर्ति हैं। भवन में मूर्त रखते हैं, घर में मूर्त रखते हैं। बस संकेत कर रहा हूं, व्याख्या नहीं करूंगा, एक मैं दूसरे तरफ चला जाऊं। तो यहां बैठ जाओ ना, बहुत सी चीजें कूदती हैं मन में, हमको भी कहो, हमको भी कहो, तुमको कहना पड़ता है, तू बैठ जा कर कहूंगा, कुछ को कहना पड़ता है अगले साल कहूंगा, समझे? तो मंगल भवन मंगल मतलब बता दो, मंगल भवन मंगल माने क्या? भगवान के अंदर 3 गुण है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन धन आनंद राशि। सत है, चित है, आनंद है, उसका नाम क्या है? सच्चिदानंद। भगवान में 3 गुण है, सत है, चित है, आनंद है। सत्य की मूर्ति है, चित्त की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है। ये तीनों मूर्तियां एक में जिसमें रहे उसको मंगल बोलते हैं, वही राम है। बस इतना काफी है। मंगल मूर्त तो 5 दिन 7 दिन की कथा है, कहां कहां रामायण में मंगल मूर्त है। और मंगल 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 है, 108 बार मंगल शब्द आया है रामायण में, 108 times मंगल वर्ड इन द रामायण मंगल है। तो मंगली मूर्ति मारुति नंदन सकल
मंगल मूल निकंदन। तो जब मंगल मूर्ति होगा तो क्या करेगा? आय आय पवन तनय संतन हितकारी, संतों का भला करेगा, संतों का भला करेगा। हृदय विराजत अवध बिहारी, यही करेगा। बस आश्रम हो गया, मंगल हो गया और कुटिया, कुटिया किसी का मन टेढ़ा हो गंदा हो उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? कुटिल है। ये कुटिल है माने कोई भी अच्छी बात कहो तो उल्टा कर देता है, उल्टा अपना अर्थ निकाल लेता है। बाप ने भेजा जाके माचिस लाओ, माचिस जानते हैं ना, लुसिफर ना, जा लुसिफर लेके आओ। आया लेकर के बाप को दिया, बाप ने रगड़ा कोई जला नहीं, कहा बेटा तो कोई नहीं जल रहा है। कह क्या बात, क्या कहते हो, मैंने सब जला के देख लिया था, सब ठीक है, मैं जला के सब देख लिया था, सब ठीक है। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं भगत, मिलते हैं उनको सब उल्टी, जो भी कहो। दो बच्चे बात कर रहे हैं, सूरज दिन में क्यों नहीं निकलता, दोनों छोटे छोटे बच्चे, सूरज दिन में क्यों नहीं निकलता। दूसरा कह रहा है हाँ मैं जान गया, मैं जान गया क्यों सूरज दिन में नहीं निकलता, जैसे हम तुम रात में डरते, वो भी रात को डरता है, वो भी रात को डरता है, इसे डर के मारे अंधेरे में नहीं आता। कुछ लोगों की ऐसी दिमाग है, तो शंकर परेशान मत हो जो कोई कुछ कहे ना, कुछ लोगों का ऐसी दिमाग है, क्या करोगे, ठीक है ना, ठीक है स्वामी जी। सूरज डरता है, क्या बुद्धि है। एक ने पूछा कि संध्या कब करनी चाहिए, का सवेरे दोपहर शाम को, का शाम को कब, कल सूरज डूबता है। 16 साल ऐसे से लोग हैं, जब सूरज डूबने लगे, शाम को डूबता है सूरज तो संध्या बंदन करना चाहिए। ये पूछता है अगर सूरज 12 बजे रात डूबे तब, अब ऐसे बहुत हैं, एक दो नहीं है, हमें तो रोज मिलते हैं, रोज मिलते हैं। मुझे फोन पर आज मौन था 4 बजे तक, इसके बाद 4 बजे के बाद देखा अपना फोन, उसमें मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल, तो हमने अर्थ उसका लगा वो मुझे मिस कर रहा है। मिस कॉल मिस कॉल, तो कुटिया माने दिल, दिल और दिमाग टेढ़ा टेढ़ा, हर चीज का अर्थ निकाल लेता है, उल्टा अर्थ निकाल लेता है, उसे कहते हैं कुटिलता, कुटिलता। एक बेंटिंग बेंटिंग माइंड, पॉल्यूटेड माइंड, ऐसा दिमाग है। तब कुटिया माने ऐसे घास फूस का घर जिसमें यह भीतर की टेढ़ापन दूर हो जाए, टेढ़ापन दूर हो जाए, उसी को, उसी को कुटिया कहते हैं। ऐसे तो यहां पर आश्रम है, तो आश्रम क्या हुआ, सुमिर तहरही श्राप गति बाधि। सुमिर माने जैसे भगवान को याद किया, वो जो श्राप मिला था कि 5 मिनट से ज्यादा एक जगह नहीं रुक पाएंगे, वो खत्म हो गया, वो खत्म। सुमिरत, एक होता है जप, एक होता है सुमिरन। सुमिरन क्या होता है, जप किसे कहते हैं, आप स्नान करके अच्छे कपड़े पहन करके अच्छी जगह पर तब आप जप कर सकते हैं, और सुमिरन चाहे जप कर सकते हैं। बेटा, आपका बेटा सुरीनाम में रहता है, आप यहां रहते हैं, मां यहां रहती है, मां बराबर सोचती है बेटा खाया होगा कि नहीं, नौकरी इसकी ठीक चल रही है कि नहीं, मेरा नाती कैसा होगा, या याद करने के लिए कोई स्नान करके बैठने की जरूरत नहीं है, वो 24 घंटे बोलती रहती है। भगवान का नाम 24 घंटे चलता रहे उसको सुमिरन कहते हैं, और समय समय पर जप करता रहे उसे जप कहते हैं। यहां पर सुमिरन हो रहा है, यह सुमिरन को ही भक्ति वो योग कहते हैं, इसे को तैलवत धारा भक्ति कहते हैं, बड़ा शब्द हो जाएगा ये, तैलवत धारा।
जैसे नदी हरदम बहती रहती है, ऐसे परमात्मा को हरदम याद करना, इसी को सुमिरन कहते हैं। इसको सुमिरन कहते हैं, तस्सुमिरत, इसको भक्ति योग कहते हैं। भक्ति में सब बाधा दूर हो जाती है। यह पहली आधी लाइन भक्ति योग की है और दूसरी लाइन सहज विमल मन लागि समाधि, सहज विमल मन लागि समाधि। यह समाधि लग गई। अब इस एक आधी लाइन में पूरा अष्टांग योग पातंजलि का योग दर्शन आ गया। पहले यम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आठ कदम है तब भगवान मिल जाता है। यम नियम माने सच बोलो, किसी को कष्ट मत दो, अपने को शुद्ध करो, समाज के साथ शुद्ध रहो, यम और नियम। आसन, ये जगह बैठने की आदत हो जाए, जब एक जगह शरीर बैठेगी तो मन ही बैठ जाएगा, शरीर बस में नहीं है तो मन भी बस में नहीं होगा। प्राण प्राणायाम सांस नहीं बस में होगा तो मन नहीं बस में होगा। एक मिनट में आप 15 सांस लेते हैं, इन वन मिनट 15 ब्रेथ ऐसा लेते हैं 15 बार। एक घंटे में 900 लेते 900 लेते हैं। 24 घंटे में 21,800 सांस लेते हैं। अगर 16,108 सांस आती जाती रहे तो आदमी नहीं मरता है, नहीं मरता है। यह पातंजल योग सूत्र है। और इसके बाद तब ध्यान कीजिए, तब धारणा कीजिए, तब समाधि लग जाएगी। समाधि लग गई तो आप 5 दिन बैठे लगेगा, 1 घंटा बैठा था, ऐसी समाधि। यह आपकी दो लाइन में, एक में भक्ति योग, भक्त भक्ति भगवान है, हम भक्त हैं, मेरी में जो प्रेम है वो भक्ति है, हमारा परमात्मा हमें मिल जाए, भक्त भक्ति भगवान। और इधर समाधि लग जाए, बस हो गया। उनको लग गई, दास जी को जब लग गई तो डर गया। कौन डर गया? इंद्रदेवता डर गए। इसलिए मैं शंकर से कहूंगा, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, जो डर गए हैं वो तो चिट्ठी लिखेंगे ही। हमने लिखा डरा इंद्र, तो कहा मुनि गति देखी सुरेश डराना। सुरेश माने इंद्र डर गया, करीब अब तुम्हारा बिजनेस मारा जाएगा, ये आके कब्जा कर लेगा, कर लेगा। कहा कौन, क्यों, कौन डरता है? 3 लोग डरते हैं। 125 दोहे की ऊपर वाली चौपाई पढ़िए। तजे कामी लो लुप जग माही, कुटिल एक इवो सब ही डराई। तजे कामी, जो भोग चाहता है वह डरता है, लोलुप जो लालची है वह, और कुटिल जो कुटिया में नहीं रहने के लायक, कुटिल और काक कौवे की तरह जिसकी आदत है। तकाक ईव सब ही डराय, कामी डरता है, लालची डरता है, टेढ़े दिल वाला गंदे दिल वाला डरता है, कौवे की तरह जो है वह डरता है। तो शंकर से आप लोग कहे थे, आप आनी तो चिट्ठी ना, ये तो लव लेटर है। और जब अच्छा काम करो तो दुनिया तो कुछ कहेगी ही, यही जो कहेगी वही तो आपको ब्लास्टिंग है, नाम आपका हो ब्लास्टिंग नहीं देंगे आप, ब्लास्टिंग यही है कुछ सहो, सुनो और सहो, यही ब्लास्टिंग है। तो कुटिल काक इव सब ही डराई। और दोहा पढ़िए जरा, आप जोर से पढ़िए,
सुखा डलाई भांग सठ स्वान निरख मृग राय छीन ले जन जान जड़ तिन सुर पत हीन लाज। है क्या दस दस की है किसी के पास है ना? हम खुद दस पढ़ो तो इसका मतलब क्या, इसको माइक दो तेरा। ये हमारा बताया ना क्लास है, ये मेरी क्लास वो है, क्लास भी है, कथा भी है, जग भी है और हमारा मास पढ़ाने भी है। हाँ चलो। Zoals een dwaze hond bij het zien van de koning der dieren met een kaal bot het op een lopen zet, in zijn pijloze onwetendheid denkende dat de leeuw het zou kunnen afpakken, had ook de schaamteloze Indra dezelfde gedachte. Wauw. Mijn naam is niet op klas, maar ik kan het niet. Suno, wat is dat? अब उसको हिंदी में, उसकी बात पे हिंदी में। सुख हार्ड लाई भाग, एक कुत्ता सुखी हड्डी चाटता है ना, यहां तो मिलता नहीं है, सुरीनाम में देखा होगा हड्डी कोई सुखा पाया, इंडिया में तो गली गली में खाई पड़ रहा है। सुखी हड्डी मुंह में लाके एक पेड़ के नीचे बैठ कर चाटता है, हड्डी में कुछ रहता नहीं ना, लेकिन उसका लार जो उसमें लगता है वही मीठा लगता है। तो सुखाड़ लई भाग सठ स्वान निरख मृगराज, देखा कि जंगल से शेर आ रहा है बड़ा, हमें शेर बहुत अच्छा लगता है। हम जहां रहते हैं जिस जहां पर तीन डाट में अपने कमरे बड़ा सा शेर कर लीजिए दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रामायण की तीन चीज अच्छी, तीन फोटो बहुत अच्छा लगता है और एक शेर अच्छा लगता है। जब कोई समाज की कोई चुनौती चैलेंज आता है तो शेर दिखाई पड़ता है इस तरह से। और दूसरा रामायण क्या अच्छी लगती है, भगवान राम धनुष बाण लेके खड़े हैं वो अच्छा लगता है एक। और दूसरा क्या अच्छा लगता है रामायण का, रामायण की तीन चीज अच्छी लगती है, जब राम लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया और हनुमान जी लेके आए बेहोश लक्ष्मण जी को, राम की गोदी में सुला दिए, तो राम रोने लगे तो सारे बंदर क्या किए, वो फोटो देखा कि सारे बंदर ऐसे रख सब रो रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो फोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लंका कांड का है, सब बंदर, बंदर का मुंह तो बंदर, अरे बहुत आदमी को गाली देकर यही कहो कि तेरा मुंह क्या है बंदर, जब बंदर ही है क्या कहोगे, या ऐसे हाथ रख के भगवान के साथ वो फिर रो रहे हैं, एक दृश्य अच्छा लगता है। और दूसरा दृश्य अच्छा लगता है गुरुदेव जा रहे हैं विश्वामित्र, पीछे पीछे राम लक्ष्मण धनुष बाण लेके जा रहे हैं संसार को धर्म को बचाने के लिए, यह दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए तसुख जैसे शेर को देखा, वो जो सुखी हड्डी चाट रहा था उसके मन में क्या आ गया, ये आ रहा है मेरी सूखी हड्डी छीनने के लिए। अरे शेर कहीं सूखी हड्डी चाटेगा, वो तो जिसको चाहेगा कूद करके पकड़ करके, वो देखा नहीं एनिमल टीवी एनिमल कैनाल कैसे शेर दौड़ता है कूदता है मस्तक पर चढ़ के चीर को खा करके और फिर खा के सो जाता है। ये शेर का चलना मुझे, मैं तिलवर्क में गया था, तिलवर्क है ना वहां पर गए बाहर घूम रहे, एक अच्छा लगा शेर चल रहा, चार पांच कदम चल लिया तो पर्वत क्या करता है शेर पीठ मोड़ करके देख लेता, फिर चलता है फिर देख लेता, दस कदम चलेगा पीछे देख लेगा। जिंदगी में जब तुम आगे बढ़ो तो कभी कभी पीछे मुड़ के देख लिया, अगर धस सुरीनाम से भारत की तरफ आए तो कभी कभी सुरीनाम को भी घुमा करके देख लिया करो वहां परिवार क्या कर रहा है। यह शेर की गति मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा आगे चलो पीछे देख के फिर आगे बढ़ो, आगे हम सब लोग आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अरे पीछे भी देख लो मेरे भैया, तेरे बाप दादा आजा कैसे रहेंगे उनको भी तो देख लो, हमारी रामायण गीता पीछे पड़ी है उसको भी देख बार पढ़ लो पढ़ लो। तो कहा सुख हार लय भाग
सठ स्वान निरख मृग राज छेन लेज जन जान जड़ के बिसुरी पत ही न लाज वडर राय। उसने दे इस तरह से रामायण का तत्व होगी तब तो रामायण पूरी नहीं होगी, तब तो ये नारद ही कथा एक महीने का हो जाएगा। यमे चलो अब चलते हैं रे का सिटी लाइट की तरफ, ऐसे मंगल ग्रह पर जाते हैं। हाँ ओके तते ही आश्रम मदन जब निज माया बसंतन। अपने कामदेव को भेजा, कामदेव सबसे सुंदर है और रंभा आदि नर्तकियों को भेजा डांस करने वाले को, खूब नगाड़े बाजा बजे। नारद जी समाधि में बैठे हुए नींद नहीं टूटी, जब नहीं टूटी तो दूसरा काम किया, तुरंत जाकर उनको पैर पकड़ करके कहा गुरुदेव जागो गुरुदेव जागो। जब नहीं जागा, जब कोई बात न सुने तो उसको प्रणाम करो तो सुन लेता है, प्रणाम करने से उसका अहंकार जगता है, आ इतने लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए हमारे शंकराचार्य ने कहा जो सम्मान इज्जत चाहता है तो प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, साधु संत को पंडित को सम्मान की जरूरत रहती है, लेकिन साधु सन्यासी जो हमको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, हमें चाहे आप आदर दे चाहे गाली दे क्या फर्क पड़ता है। देवराज बाबा थे कहीं कहाँ गए, उनका आलम गया था, कहा क्या कर रहे हो, राम कथा कर रहा हूं, कहा लोग माला पहनाते हैं, कहाँ पहनाते हैं, बेटा एक बात सुनिए ना, माला इस हार मास को नहीं पहनाते, इसके भीतर से जो राम की कथा निकल रही उसको पहनाते हैं, अहंकार मत करना। और एक बात, ऐसा जीना वो उनका कहना मेरे लिए अमृत बन गया, ऐसा जीना का कैसे कहालैंड में ऐसा जीना जैसे मुर्दा का मतलब क्या हुआ, का मजार बनाते हैं ना, उसमें चाहे फूल चढ़ाओ और चाहे पत्थर फेंको मजाक कहेगी, उसी तरह कोई तुझे फूल फेंके चाहे मीठे शब्द कहे चाहे गाली दे तो मत कुछ मत समझना। अब तो 300 वर्ष के थे देवराज बाबा, देवराज बहुत अच्छे थे, कभी याद करता हूं तो दिल खुश हो जाता है। तो कहा कि आ गया, पैर छुया, प्रणाम किया, आंख खोल दिए, वो कहा महान है आपकी नींद हम नहीं तोड़ सके, तो ऐसा है आप तो महान है गुरुदेव। नारद जी बहुत खुश हुए, जब कोई बड़ाई करता है कितना अच्छा लगता है और कोई बुरा कह दे तो कितना खराब लगता है। सुनना सहना और समझना ये तीन गुण को बराबर याद रखो, सुनो सब की करो अपने मन की, सुनो सब की कड़ी बात हो सबो और उसको समझो ये क्यों ऐसा बोला, कोई कारण रहा होगा, नहीं समझ में आता छोड़ दो, जाए इतना तुम अपना जाओ, अपनी मस्ती में तुम जियो जियो। तो कहा बहुत डर गया और पैर छुया, फिर वो बड़े खुश हुए मेरी बड़ाई हो गई बड़ी हो गई। तो लिखते हैं तो बाल गए शंकर भगवान शिवलोक में, शंकर भगवान के यहां, शंकर भगवान से उन्होंने कहा सुना हमने क्या किया, कहा मैंने काम को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। अच्छा हमको तो कहा लेकिन विष्णु से मत कहना। अरे आए बाहर निकले शंकर भगवान के लोक से, कहा हमसे जल गए हैं, इन्होंने कामदेव को जला दिया था, एक दिन कथा कहा था कामदेव को जला दिया और मैंने जीत लिया। या तो दो प्रकार से इच्छा मरती है, या तो क्रश द डिजायर और कंट्रोल द डिजायर, या तो बस में करो या तो मारो। सन्यासी इच्छाओं को मारता है और गृहस्थ कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है माने कंट्रोल माने बस में करता है, बस में करता है। तो कहा इन्होंने तो मार दिया था, मैंने तो बस में कर लिया, मैं बड़ा हूं शंकर भगवान, शंकर भगवान मुझसे जल गए। ऐसे ही होता है, लोग बहुत गलत सोचते हैं, बहुत गलत सोचते हैं और ऐसे लोग बहुत हैं। तसंभुदीन तसंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान।
भगवान की चोट को अच्छा नहीं लगा शंकर भगवान का कहना, कहा मैं तो करूंगा। एक मेरा भक्त था, कहा बाबा मैं शादी नहीं चाहता, शादी के मैं खिलाफ हूं, शादी से जिंदगी खराब हो जाती है, परिवार में रोज कलह रहता है, कभी बच्चे तकलीफ देते हैं, कभी बीवी तकलीफ देती है, मैं शादी के खिलाफ हूँ। एक साल के बाद वो शादी कर लिया। हमने कहा तुमने शादी कर लिया? कहा हाँ बाबा। कहा क्यों? कहा मैं तो शादी के खिलाफ था, मेरी की जो बीवी मिली है वो भी शादी के खिलाफ है। जो बीवी मिली वो भी शादी के खिलाफ है, क्या क्या लोग सोचते हैं। यह का शंभु की न उपदेश मत कहना विष्णु से। शंकर भगवान उनको अच्छा नहीं लगा, तो शंकर भगवान ने सोचा तो राम की न करई अन्य था असन कोई। ये माया है, आज साधु उसके चक्कर पड़ गया, वो बजाते बजाते चले गए, विष्णु लोग नहीं रख पाए। रोज जाते थे विष्णु भगवान के पास, नीचे बैठते थे, अहंकार इतना बढ़ गया, जलन हो गई कि आज विष्णु भगवान के आसन पर बैठ गए। गुरु के आसन पर नहीं बैठा जाता, भगवान के आसन पर नहीं बैठा जाता। तो देखियो बैठ गए उस दिन, प्रभु शंकर भगवान ने कहा माया इनके पीछे दौड़, इनका ठीक नहीं होगा। कहा नर अपनऊ जन्म गवायो, कहा नर अपने जन्म गवायो। सही समझ में आता है, संसार सतत है सपना, एक ही कहा है लुभावे कहानर अपनो जन्म गवायो। निर्जातन साचो करि मान्यो, निर्जातन साचो करि मान्यो, यही विधि आप बनाओ कानर अपने जन्म गवायो। शंकर भगवान से तो जलन हो गई, कामदेव के सम्मान से अहंकार जग गया, और शंकर भगवान के कहने से जलन हो गई, जलसी। और विष्णु भगवान जब ने जब कहा आहा बहुत अच्छे हैं, और उनका अहम बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त है, अब भगवान अवतार लेने के लिए लीला कर रहे। नारद जी बेचारे जैसे आगे बढ़े, 800 किलोमीटर में एक नया शहर बसाया माया से, वहां एक शिलनिधि के नाम के राजा हुए। वो ढंगता है, यह तो कहीं जगह में देखा नहीं था, ये क्या हो? कहां से आ गया? सारी दुनिया घूमा, नई नगरी, ये बहुत सुंदर है। वो ता लगाया था शिलनिधि के राजा रहते हैं। नारद जी गए शिलनिधि के, शिलनिधि ने क्या काम किया? अपनी लड़की ला के दिखाया, 16 वर्ष की लड़की। कहा बाबा देखते जरा, हाथ देखते, जरा चेहरा देखते, मारा कैसा भविष्य होगा इसका। अच्छा, तो कहा कि देखा
नारद जी ने हाथ पढ़ा, चेहरा पढ़ा और कहा कि इसके भाग्य में तो एक चीज लिखा हुआ है। कहा क्या? कहा लिखा हुआ है कि इससे जो शादी करेगा उसको दुनिया में कोई जीत नहीं पाएगा, कोई जीत नहीं पाएगा। अच्छा, कहा ठीक है, तो क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। अभी तो इच्छा को जीत लिए थे और अब उनकी इच्छा हो गई किसी से मैं शादी कर लूं, किसी से शादी कर लूं। उसका नाम था विश्व मोहिनी, श्रीनिधि राजा की लड़की विश्व मोहिनी। कहा कि तो जो दोहा नंबर 130 के नीचे तीसरी लाइन, जो यही पर रही अमर सोई होई, जो इसको शादी करेगा तो समर भूमि ते ही जीतन कोई, कोई नहीं जीत पाएगा इसको। तलक्षण सब विचारी उर सेवई, समर भूमि ते जीतन कोई, इसको कोई नहीं जीत पाएगा। पढ़ा तो सोचे कि मैं ही क्यों शादी कर रहा हूं। बार स्वामी जी है, स्वामी जी शादी करने जा रहे हैं। गुरु आया, कहा बेटा कैसे लग रहे हो? कहा कि कुटिया बना के आश्रम में रहता हूं। कहा अच्छा, ये लंगोटी पहनता हूं, मुझे मिल जाता है, खा लेता हूं। कहा बहुत अच्छे हो मेरे। गुरु जी चले गए आशीर्वाद देके। एक दिन क्या किया उसने, गया भीख मांगने। कहा बाबा भीख क्यों मांगो, भीख मत मांगो। कहा क्यों, कैसे पेट भरेगा? इतना बड़ा जंगल है आपके पास में, उसी जंगल को जोतिए, वही उसमें अन्न पैदा होगा। पहले उनको चिंता हुई कि मैं लंगोटी मांग के लाता हूं, कपड़ा धो के टांग देता हूं तो चूहा काट देता है। तो लोगों ने पूछा कि चूहे के लिए क्या करूं? कहा बिल्ली पाल लो। बिल्ली लेके आए, बिल्ली चूहे को भगा दिया, खा गई। तो बिल्ली को दूध चाहिए, गए बिल्ली के लिए दूध मांगे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तीन चार दिन लोग देंगे ना। कहा बाबा गाय रख लो, गाय रख लिए। अब गाय के लिए चारा चाहिए, भोजन। गए गांव से मांगने, लोगों ने तीन चार दिन दिया। कहा बाबा ऐसा करो कि जमीन तो बहुत है जंगल में, या पारा पासी में बहुत जमीन है, उसी में जो तो उसे खेती बाड़ी करो। ले लिया और कहा कि बस अखे लगे लोगों के, हल बैल मांग के जोतने लगे। कहा क्यों जोत, बैल ले लो जोतना। बैल लेके लगे जोतने, तो लोगों ने कहा कि गाय को खिला रहे तो थक जाते हैं भाई, क्या करो। अरे बाबा ये तो छोटी भाई बताऊं, ये साधुओं को ऐसे समाज ऐसे समझाता है। कहा क्या करो? कहा एक शादी क्यों नहीं कर लेते जी, वो गोबर भी करेगी, दूध भी दुहेगी, आपको भजन करने का मौका भी मिलेगा, सब कुछ घर द्वार दिखेगी, आप आराम से रहेंगे। बाबा ने शादी भी कर ली, बीवी भी घर पर आ गई। देखो कैसे माया पकड़ती है, शादी में गए बच्चे, फिर तीन चार पांच छह सात आठ बच्चे भी हो गए, केती केता हो गए, केची केचा, नंदो पप्पू कक्कू नक्कू चक्कू सब हो गए। जब हो गए बाबा फिर आए, फिर गुरु आए। कहा बेटा क्या, तू तो अकेले एक लंगोटी से रहती, क्या हो गया तुझे? बाबा तब होश आ गया, जिसे गुरु को देखा होश आ गया। बाबा एक लंगोटी के नाते सब हो गए, एक साधु एक में फंसा तो फंसता चला जाता, फंसता। इसीलिए मैंने शंकर से कहा मैं आश्रम नहीं बनाना चाहता, मैं चेला नहीं बनाना चाहता, अकेले जीना चाहता, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन एक इच्छा है कथा कहने, कथा कहने की इच्छा क्यों है? क्योंकि मैं मुक्ति नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं जाना चाहता, शरीर छूटने के बाद फिर धरती पर आना चाहता हूं। आके तब क्या करूंगा? कथा कहूंगा, बस हो गए, इतना ही। तो कहा बाबा ये तो फंस गए। नारद जी ने कहा विवाह हाथ दिखाए शादी, तो उनके दिमाग में क्या आया
कि मैं साधु का चेहरा दाढ़ी मोछ है तो लड़की तो मुझे चुनेगी नहीं। अभी स्वयंवर होने वाला है, नियम यह है कि लड़की जिसके गले माला डाल देगी उसी का विवाह हो गया। क्यों जाती विष्णु भगवान से रूप मांगा, कहा भगवान मुझे अपना रूप दे दीजिए, हरि का रूप दे दो, हरि माने विष्णु और हरि माने बंदर, कहा प्रभु मुझे हरि का रूप दे दो। भगवान ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा तुझे, कोई चिंता नहीं है। तो और तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा नंबर 131 के ऊपर, जप तप कछ न हो इते ही काला, दोहा नंबर 131 के ऊपर, जप तप, जप तप बंद हो गया, माला वाला घूमना बंद हो गया, कैसे वह मिले यही सोच रहे हैं। भगवान के पास गए, भगवान से कहा कि हमें अपना रूप दे दिए क्योंकि आप सुंदर हैं, का किसका रूप, का हरि का रूप दे दियो, तो उन्होंने बंदर का चेहरा बना दिया और गए वहां स्वयं था, सब देश भूख के राजा आए थे, वह माला लेके घूम रही है, घूमते घूमते उनके पास जब जाती थी तो बंदर का रूप दिखा, आंखें बंद करके चली जाती, फिर वो कुर्सी उठा करके स्टूल उठा करके जहां जिधर जाती थी वो जाके फिर बैठ गया। अरे देखो मेरा विष्णु का रूप है, हरि का रूप, मन बंदर का रूप, लेकिन उस बंदर का रूप क्यों उसी लड़की को दिखाई पड़ रहा है। और दो को और भगवान शंकर के भूत और प्रेत, भगवान शंकर ने भेद दिया था ये मेरी बात नहीं मानेंगे कि दुर्दशा होगी, अच्छे लोग जान जाते हैं कि मेरी बात नहीं माना इसका कोई अपमान होगा, तीन को बंदर दिखाई, बाकी तो नारद जी दिखाई पड़ रहा है। और उनको अपने मन में हाँ मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे गले में माला पड़ी। जब तब से क्या हुआ, एक घंटे के बाद भगवान विष्णु खुद आ गए, लड़की ने उनके गले में माला डाल दी, देखा ये क्या हो गया, किसने मुझे रूप दिया और क्या हुआ। अब यहां एक बात है, वह उस लड़की को माया है ना, माया है, उसका नाम माया है, ये साधु है, इनका रूप बंदर का देख रहा है, एक तो अर्थ हुआ इनका बंदर का रूप देके माला नहीं डाला, इनकी तरफ देखा ही नहीं। देखिए संत है वो माया है, माया कभी संत की तरफ मुंह उठा के देख भी नहीं सकती, देखी नहीं सकती, इसलिए इसको देखा नहीं, क्योंकि जैसे संत को भगवंत को देखेगी, तीर को संत को भगवंत को हनुमंत को देखेगी, माया माया पर मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने आंख पास आती थी आंख मूंद लेती थी। अब ये लंबी कथा है, ये तो 15 दिन की कथा है, मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। इसके बाद भगवान पे चढ़ा लेकर चले गए, उनको बड़ा गुस्सा आया कि आदमी ने मुझे ये नहीं कर, अब यहां अवतार का कारण बन रहा है, लेकिन चले गए। नारद तो बैठे थे, वाह मेरी शादी होगी, सब लोग चले गए, ये भी गए बाहर, महल के बाहर जब गए तो जो भूत प्रेत थे दो गण कह रहे, अरे स्वामी जी बाबा तुमने क्या किया, जरा अपना मुंह कहीं आईने में देख लेते तो शीशा कहाँ है। वाह क्या दशरथ जी, अयोध्या कांड में दशरथ जी बैठे हैं पार्लियामेंट में, एक दिन शीशा मंगा के देख रहे हैं चेहरा, देखा तो सफेद बाल हो गया है और मुकुट टेढ़ा हो गया। जब बहुत दिन तक कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है उसका मुकुट टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है माने दूसरा न प्राइम मिनिस्टर बनने पाए, केवल मैं ही बनूं, टेढ़ा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स को मैं बहुत समझाया भी, उन्होंने चिट्ठी दिया था एक अशोक सिंघल को, मेरे देश के लिए भारत क्या कर सकता है, ठीक तो है राजनीति है पॉलिटिक्स है, इसके माने उनका एक टेढ़ा है, इसके टेढ़े के नाले कूप हुआ थे, कितने लोगों की हत्या हो गई, टेढ़ा हर प्राइम मिनिस्टर को से तब, लेकिन अच्छे कौन है जिस टेढ़े मुकुट को अपने सफेद बाल को देख पाए, अब तो सफेद बाल होता ही नहीं किसी का, क्या दवाएं सब मिल गई, लेकिन दिल में कोई कुछ हो जाता है गंदगी, उसको सफाई करने के लिए कोई झाड़ू नहीं है, नहीं है, यही कथा है, यही रामायण है।
और जिसके दिल में डस्टबिन बन गया है, शंकर से कहिए वही चिट्ठी भेजता है, दूसरा कोई नहीं, उसकी सफाई की जाए, उस पर प्रार्थना करो कि प्रभु इसको ज्ञान दो, तो गुस्सा करने की है। और फिर एकाक व्यक्ति हो तो गुस्सा करो, यहां तो एक एक लाइन लगी हुई है, कोई रेलगाड़ी की तरह लगी हुई है, कोई वक्त नहीं। तो कहा कि तब क्या करें, लेके चले गए, माया है वो, चलते हैं, विष्णु भगवान मैं श्राप दूंगा। कैसे भगवान को याद किए, भगवान आ गए उसी लड़की के साथ, कहा मुनि जी कहां गुस्से से चले जा रहे हैं, उसके पहले दोनों गण मिल चुके थे, अरे शीशा कहां है, कहां देखो, पानी में देखो, लोग कहते अपना मुंह देखो, अपना मुंह तो सभी देखते हैं, लेकिन दूसरा कोई कह दे अपना मुख देखो तब गुस्सा आ जाता है, हमारा चेहरा क्या खराब है। पानी में देखा तो बंदर का मुंह दिखाई पड़ा, बंदर का दिखाई पड़ा, लिखा है तुलसीदास ने 135 दोहे के ऊपर, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कब जाई, निज मुख मुकुर अपना मुंह ऐनी में जाकर के देखो। हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या है, जोर से, मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल यश जो दायक बल। इस दोहा का मतलब क्या है, अभी ट्रिनिडाड में 6 महीने गुरु हनुमान चालीसा को बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मुकुर माने ऐना शीशा, यहाँ क्या लिखा है, निज मुख मुकुर बिलो उजाई, आईने में जाके अपना सिर मुख देखिए, इसका उसका मतलब क्या है हनुमान चालीसा वाला, हे भगवान, हे हनुमान जी, हे गुरुदेव, मेरे जो मन है वो शीशा है, उस पर गंदगी धूल आ गई है, उसे साफ कर दो, साफ साफ देख सको, इसका मतलब यही है। यहां भी कहा कि जाकर के अपना देखो, जैसे देखे तो गुस्सा आ गया कि बंदर का मुंह मेरा हो गया, तब लगे गुस्सा करने, क्या कह रहे हैं जा सुनिए, इतना विष्णु भगवान को कोई गाली नहीं दिया होगा, अपशब्द नहीं कहा होगा, दोहा नंबर 135, हो निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो, पहले उन राक्षसों को हसहु हमें जो ले ऊपर बहुरे हसो गोई, हमारे ऊपर तुम मजाक कर रहे हो, तुम लोग जाओ राक्षस हो जाओ, दोनों शंकर भगवान के भूत और प्रेत, साधु का मजाक नहीं करना चाहिए, अगर गलत भी करता है सुन लो बस हो गया। यह कृष्ण भगवान के नातियों ने साधुओं का अपमान किया, सत्यानाश हो गया, श्रीमद भागवत प्राण में, पुनि जल दीख रूप निज पावा तदप हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माई सपद चले कमलापति पाई, कमलापति पाई। वाह गुस्से बहुत का, वाह तुमने बंदर का मुंह मुझे बना दिया, मैं गुस्से में, मैं चल के लक्ष्मी से कहूंगा ये कौन तुम्हारे बगल में बैठा है, मैं आग लगाऊंगा। कहते हैं ना किसी के पति के साथ लड़की कोई आ जाए दूसरा, देवी ने कहा मंदिर में घूमते 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 भीड़ बहुत थी, कहा क्या ढूंढ रहे हो भाई, क्या देख रहे हो, यहाँ लड़कियां बहुत है उसको देख रहे हो, कहा नहीं हमारी बीवी खो गई है उसको देख रहा हूँ। एक स्त्री मिली, कहा बहन जी एक काम करती, मेरा जरा हाथ पकड़ लेती, सुंदर स्त्री हाथ पकड़, कहा क्यों भाई आपको मैं जानती, कहा मैं बहुत संकट में हुआ हूँ, मेरी स्त्री खो गई है यहाँ, जैसे मेरी आप हाथ पकड़ेंगे ना वैसे वो देख जाएगी, शेर की तरह कूद के आ जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, मैं खोजते खोजते थक गया हूँ, तू पकड़ लेगी बस मेरा काम बन जाएगा। तो कहा कि मैं चल के लक्ष्मी से कहूंगा आप दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हैं, मैं आग लगा करके आपको श्राप दे दूंगा। तुम बोले मधुर वचन सुर साई,
आग लगा दूंगा। कहा लड़का आम का पेड़ पर आम तोड़ रहा था, चल दूसरे के आम का पेड़ का फल बहुत अच्छा लगता है मीठा, अपने पेड़ का मीठा नहीं लगता, चोरी में बड़ा स्वाद होता है ना? आम खाया नहीं थी श्रीनाम में, हाँ अपने पेड़ का। और सुग्गा काटा हो तो और अच्छा लगता है, कि सुग्गा उसी को काटेगा जिसको बहुत मीठा हो, वो जान जाता है। तो कहा कि अच्छा आम तोड़ रहा था एक लड़का, आया पेड़ वाला, ए तो मेरे खेत का घर का आम के पेड़ का फल तोड़ रहा है, मैं चल के तेरे पिता से कहूंगा, उतर जल्दी से, उतर के आया, मैं अभी चल पकड़ो हाँ चलो मैं पिता से तुम्हारे कहता हूँ, डांट पड़ेगी मार पड़ेगी, चोरी नहीं करना चाहिए। तो मेरा पिता तीसरे आम के पेड़ पर चढ़ के तेरा पेड़ तीसरे पेड़ पर है ना ऐसा ऐसे ही है, किसको जाके कहोगे तुम, किस बाप को कहोगे, ऐसे समाज चल रहा है, है। तो भगवान ने कहा प्रणाम किया, बड़े मीठे से बात कहा, ताहे विष्णु सुन लो, पर संपदा सकहु नहीं देखी तुम्हारे हिंसा कपट विषेकी, ये अपशब्द बोल रहे हैं, मयत मथत सिंधु रुद्र पौराय सुरंग प्रेम विष पान कराय। वार विष्णु तू कितना स्वार्थी है, क्या स्वार्थी है, तुम्हें ईर्ष्या है जलसी है, तुम्हारे अंदर कपट है, कैसे, कहा जब समुद्र मथा गया उसमें विष निकला तो शंकर को पिलावा दिया तुमने, और जब लड़की निकली लक्ष्मी उसको तूने ले लिया, कौस्तुभ मणि तूने ले लिया, तूने ले लिया, तो ऐ विष्णु तुम ऐसे हो, असुर सुरा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव ही मन ही कर तुम जोई, का अब मैं आपको श्राप देता हूं कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, तो आपको श्राप देता हूं कि आपका विवाह होगा और जो बंदर का मुंह बनाए थे वो बंदर आपकी सहायता करेंगे, दूसरी बात जैसे मैं उसके लिए तड़प रहा हूं वैसे आप अपनी बीवी के लिए रोएंगे, और आपको श्राप देता हूं आप भले विष्णु हैं मनुष्य के रूप में आपको धरती पर आना पड़ेगा और आपको बहुत कष्ट आपको सहना पड़ेगा। उन्होंने हाथ जोड़ा कहा नारद जी यही तो मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, और अब उनके श्राप से विष्णु भगवान राम होकर के पैदा हुए, सीता जी पैदा हुई, सारे बंदर भालू पैदा हुए, और उस रामा अवतार में त्रेता युग में, और यह चौथा कारण, यह तीसरा कारण है, तो जय विजय यह तीसरा कारण है। अब चौथा पांचवा कारण कल मैं कहूंगा, भगवान ने अवतार लिया, पांच कारण है, तीन कारण हो गए, दो कारण कल रह गए। अब एक एक कथा जो है ये पूरा प्रसंग है, एक एक महीने का तो यही है, अगर एक जगह में रुक जाऊं तो कथा पूरी नहीं होगी, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा आपके सामने रख पाऊं। देखिए अयोध्या कांड में पहुंचूंगा तो बड़ा धीरा चलना पड़ेगा, देखिए आप धीरज रखेंगे कि बहुत आनंद आएगा। अब चौथा कांड कहूंगा कल और पांचवा कल कर दूंगा, फिर भगवान का जन्म के लिए तैयारी करें। बोले श्याम रामचंद्र भज गोविंदम भज गोविंदम Yeah.
Oh,
पितुर्हरिण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्हरिण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति हरि ओम।